अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नज़ाकत अली और आप देख रहे हैं नज़ाकत इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में एक वीडियो पर कमेंट, वो कमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बारे में फिर बनाते हैं वीडियो। अच्छा जी, ये भाई लिखते हैं स्टार डेल्टा मोटर कनेक्शन की वीडियो में, मोहम्मद सहेल, कंट्रोल पैनल बनाओ और इसके बारे में बताओ। ठीक है जी, देखिए, अगर आपको कंट्रोल पैनल सिर्फ सादा चाहिए तो वो मैं बना देता हूँ, अगर इसके अलावा कुछ चाहिए तो आप मुझे डिटेल में बताएं कि आपको कौन सा चाहिए। तो ये अगर सिर्फ आपने रन करना है, स्टॉप करना है या इमरजेंसी वगैरह, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बना कर दे देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आगे जी, हम एक भाई को चाहिए था कंट्रोल पैनल, ठीक है। यहाँ बन गया जी मेरे पास एक छोटा सा डायग्राम, ये 3 फेज कंट्रोल पैनल हो गया। मेन ब्रेकर आ गया यहाँ पर MCB लोड के लिए, जितना भी आपके अंपेयर हो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ज़्यादा लगा लीजिएगा। ये मेन वायर आ गई, और अगर 3 फेज है, 380 है लाइन टू लाइन, तो फिर एक आपको न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है आपका कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है वो 220 की होगी। दो सौ बीस वोल्ट ये कंटेक्टर कॉइल है, और दूसरा है आपका 3 फेज, जितना भी लोड हो उसी हिसाब से। मेन वायर आ जाएंगी आपकी तीन, यहाँ पर रेड, येलो, ब्लू, ये आ गई मेन वायर। और यहाँ से जो आपकी निकलनी है मेन वायर मोटर में, ठीक है, अभी आपने जो छोटी दूसरी वायरिंग करनी है वो ये है। 380 है तो 380 आप यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन उसके साथ आपको एक न्यूट्रल चाहिए होगी, जैसे ये ब्लैक, और यहाँ पर ये न्यूट्रल होगी। यहाँ पे कॉइल के दो होते हैं, A1 A2, इधर भी A1 A2, आप चाहे तो इधर लगा दें चाहे तो इधर लगा दें। ये न्यूट्रल आ गई, हमने डायरेक्ट लगा दी कॉइल को। यहाँ से हमने एक फेस ले लिया, और अगर आपके पास 3 फेस 220 है तो फिर न्यूट्रल रहने दें, फिर आप यहाँ से ही एक वायर यहाँ पे लगा दें, यही वायर यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दें अगर आपके पास 220 है तो, और यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाएं, तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे लगा दी मैंने एमरजेंसी, एमरजेंसी आ गया, इसको दबा देंगे तो ये जो इसके कनेक्टर हैं वो हट जाएंगे और करंट यहाँ से नहीं गुजरेगा। तो यहाँ फेस मैंने ले लिया, यहाँ पे चला गया, इसमें यहाँ से निकला, जब हम इसको छोड़ देंगे ऊपर की तरफ जाएगा, छोड़ेंगे तो करंट आ जाएगा इस NO में, ये NO है, नॉर्मली ओपन, पुश करेंगे तो नॉर्मली क्लोज में हो जाएगा, जब नॉर्मली क्लोज में होगा तो करंट यहाँ से सीधा जाएगा, और यहाँ से इसके NC में लगा दें या डायरेक्ट कॉयल को लगा दें। तो मैं इसके NC में लगा देता हूँ, ये भी नॉर्मली क्लोज ही है, एक दफ़ा स्टार्ट कर दे बस हमारी कॉइल को। जब कॉइल स्टार्ट होगी तो यहाँ पर मैंने यही करंट उठाया, यहाँ NC में लगा दिया, और NC है नॉर्मली क्लोज, ये जुड़े हुए होंगे, ये नॉर्मली क्लोज है, यहाँ से करंट चलता जाएगा, चलता जाएगा, और यहाँ पे आके रुक जाएगा NO में। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली इसमें भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं कॉइल को लगा देता हूँ, और यहाँ से इसमें चला गया NO में। यहाँ से जो NO का दूसरा है, दूसरा पॉइंट है, यहाँ से करंट निकलना है, जब कॉयल अपनी तरफ खींच लिया उसने, कॉयल मैग्नेट हरकत में आ गया, तो ये जो है करंट यहाँ से फिर निकलेगा और इस A2 में चला जाएगा। यहाँ से रेड येलो ब्लू आ गया मेन, और यहाँ से निकल भी गया मेन मोटर को। यहाँ पे एक फेस मैंने ले लिया, एमरजेंसी में लगा दिया, एमरजेंसी से मैंने निकाला और यहाँ पे NO में लगा दिया। NO से फिर मैंने ले लिया वो, या यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, तो ये मैंने लगा दिया NC में, क्योंकि मुझे बाद में स्टॉप करना है। यहाँ पे NO में आ गया, ये नॉर्मली ओपन है, तो जब हम दबाएंगे तो नॉर्मली क्लोज में आ जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा पुश करके वापस अपनी हालत पर चला जाता है, तो हमें एक दफ़ा चाहिए। हम मैं थोड़ा सा दबाऊँ
तो करंट यहां से फौरन निकले और ए टू में चला जाए। ए वन में पहले मौजूद है और ए टू में यहां से जाएगा तो जो क्वाइल है वो चलेगी। तो यहां से ही जो थोड़ी सी चलेगी, और अगर ये मैं नहीं लगाता, ये सब कुछ मैं नहीं लगाता तो बंद हो जाएगी। तो यहां पे मैंने ये करंट यहां से दिया, यहां पे एन सी से, ये नॉर्मली क्लोज है, यहां से करंट गुजर रहा है, ये करंट गुजर रहा है, यहां से जाके सीधा इसके एनओ में आ गया। यहां पे अब रुका हुआ है करंट एनओ में। जब मैं यहां से पुश करता हूं तो ये चलती है, और चलते ही एनओ जो है वो एन सी में चेंज हो जाएगा और यहां से करंट फिर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये निकलेगा करंट और ए टू में चला जाएगा। ये ए टू में सिर्फ आरजी गया था, वापस चला गया, बाद में फिर इधर से होके इधर आ गया। अभी ये हमारी जो मोटर है वो वर्क कर रही है, चलती जाएगी। जब हमने इसको स्टॉप करना है तो इसको एक दफ़ा ऐसे दबा दें, क्योंकि ये होल्ड हो गया ना यहाँ पर। एक दफ़ा हम दबाएंगे तो ये करंट यहाँ से कट जाएगा। जब ये करंट यहाँ से कटेगा, कॉइल बंद हो जाएगी। उसके बाद ये दोबारा हम छोड़ देंगे तो भी नहीं चलेगी, क्योंकि दोबारा हमें ये भी कट गया यहाँ पे। तो दोबारा हमें इसको पुश करने की ज़रूरत है। जब हम इसको पुश करेंगे तो दोबारा ये चलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।